नमस्कार, मेरा नाम रोहित सिंह है और आप मीडिया दर्शन देख रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही सासाराम अनुमंडल के एसटीपीओ विनोद रावत के कई तरह के ऑडियो वायरल हुए, जिसमें ऐसा कहा जा रहा है, हालांकि हम उस ऑडियो की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्हें तथाकथित रूप से सासाराम एसटीपीओ का ही कहा जा रहा है, और जिसमें कि कई तरीके की बातचीत, कुछ जातिगत आधार पर और कुछ पैसों की लेन देन पर, ऐसे कई तरह के वीडियो वायरल हुए। और अभी एक वीडियो हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जो बताया जा रहा है कि नौहट्टा थाना क्षेत्र अंतर्गत जमादार और चौकीदार का उसी थाना क्षेत्र की एक निवासी से पैसे की लेन देन को लेकर है। ऐसा कहना है कि उसमें शराब के नाम मतलब शराब के केस में उस महिला को फंसाने की बात की जा रही है और उस केस को मैनेज करने के लिए पैसे की मांग की जा रही है। एक बार आप इस ऑडियो को सुन लीजिए। हाँ बोलिए सर। सुनो ना, कहाँ भाई, अभी कहाँ भाई? वो बस स्टेशन गए चूड़ा कुटवाने। हाँ तो खर्चा कर देंगे। कौची खाती? हाँ यही, अगर 20,000 रुपया देगी तो मैनेज करेंगे हम, प्रोवाइड चाहिए चाहिए। अच्छा हाँ देख लग रहा है, अगर तुरंत किसी के लिए रखवा तो ले लो, हमारा तो सारा बुक केस करने पड़ा। वो तो माल हमारे हमारे घर में पकड़ बस और बस नहीं। अब देखो तू कानून पढ़ू तो बात दिक्कत होगी। सुना ना, हेलो। हाँ बोली। घर से नीचे पकड़ाई हाँ, घर से नीचे पकड़ाई, बात तो सही बा। देख लो अपन ज्यादा ही नहीं क्या दबाव नहीं क्या। ठीक बस ठीक बस का हो जाएगा। ठीक बस देखा थी हम का हुआ समझना पाना हाई तैयार है आ? ना वो कहाँ से देगी इतना बेचारी है। सुनो ना, हेलो हेलो। हाँ बोलिए। हेलो आप क्या होता हूँ सर, रिकॉर्डिंग करेंगे ना, रिकॉर्डिंग करेंगे। हेलो हाँ बोलिए। कर रहे हैं तो 50 रुपये कर रहे हैं। के कर रहे हैं? रिकॉर्डिंग मत करिए, समझ ना, तो फिर हमारा धोखा दे मुझे पेश ना। ठीक बा, हमारे कहे नहीं के चलत, मने काई से कौची कहत मन जा। कहत कुछ है कहीं, आओ रबी के भेजा हूँ। कहाँ? ठीक है, तुम्हें आओ आओ जो भी हाँ प्रयास में हम जा रहे हैं। मन जा जाए कौची बोलिए। का बोले काम ना गड़बड़ाएगी वो? अरे हम कोची गड़बड़ाएंगे? हाँ काहे लिए सर? अभी आपने सुना उस ऑडियो को, और ये ऑडियो जो है हमारे साथ जो महिला अभी मौजूद है, उस ऑडियो में बात कर रही महिला की जो आवाज़ है वो इन्हीं की आवाज़ है। आप हमें बताइए पूरा मामला क्या है। नौहट्टा प्रखंड के संजय कुमार वर्मा ने, संजय कुमार वर्मा हमारे घर पे आकर के दारू प्लांटेशन में से पकड़े और बोल रहे कि रवि कुमार कौन है, ये संजय कुमार वर्मा कौन? थाना प्रभारी हैं नौहट्टा थाना के जी, और उन्होंने हमारे आदमी को फंसा रहा है, बोल रहा है कि तुम्हारे आदमी दारू है, तुम्हारे आदमी को जेल भेजेंगे। वो शराब आपके घर से बरामद? नहीं, वो प्लांटेशन में से शराब मिला था उनको, उसमें दारू है कि क्या है उसमें हमको पता ही नहीं है, झूठा को हमको फंसाया जा रहा है। और ये जो पैसे के लेन देन की बात की जा रही है इस ऑडियो में, ये बात आप ही से हुई है? जी, हमसे पैसे के लेन देन की पहले बोला गया 50,000 रुपया दे दीजिए, बड़ा बाबू संजय कुमार ने कहा, उसके बाद में जिम्मेदार ने दिनेश प्रसाद ने कहा कि 25,000 रुपया दे दीजिए ना, तो फिर केस आपका यहाँ पे खतर रफा दबा हो जाएगा। क्या इससे पहले भी आप पर पैसे को लेकर या थाना के साथ कोई इस तरह की बातचीत हुई है? नहीं, ये पहली बार हुआ है। पहली बार हुआ है। तो कब आया था आपको ये कॉल, किस तारीख को?
कल के तारीख था, कल कल 18 है, कल 18 तारीख था। अच्छा, बड़ा बाबू आए थे हमको पास में, बड़ा साहब। हाँ, रोड पे हम घूम रहे थे, हमको भी धमकी उमकी दे करके गए हैं, गाली गलौज किए, बच्चे को भी दौड़ा के गाली गलौज किए हैं, संजय कुमार वर्मा। तो अभी आपने सुना, आपका नाम कुसुम देवी। अभी आपने सुना कुसुम देवी को, उन्होंने बताया इस ऑडियो में, इनका कहना है, जो ऑडियो आपने सुना है कि इस ऑडियो में इन्हीं से बात हुई है, और अब देखना है कि इस पर आगे किस तरह की जो डिपार्टमेंटल एक्शन क्या लिया जाता है, जो वरीय पदाधिकारी हैं इस पर क्या कार्यवाही करते हैं। अगर आप हमारे इस खबर को हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर हमारे चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए मीडिया दर्शन के साथ। धन्यवाद।